हाय फ्रेंड्स, मैं शिवानी आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल वेस्टीज मार्वल्स पर। तो आज का जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं वो है जॉइंट्स यानी कि जोड़। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने वेस्टीज मार्वल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले वीडियो के यदि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें तो बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर दें। और आज का वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जॉइंट्स यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर दो बोन जाकर के आपस में मिलते हैं या फिर जुड़ती हैं जाके, उस पॉइंट को बोलते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स हमारे स्केलेटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जो हमारी बॉडी को मूवमेंट देने का काम करते हैं, यानी कि हम दैनिक जो जितने भी जो कार्य होते हैं वो इसी मूवमेंट की वजह से, जॉइंट्स के मूवमेंट की वजह से ही कर पाते हैं। जैसे चलना, दौड़ना, भागना, झुकना, ये सारे काम हम जॉइंट्स के मूवमेंट की वजह से ही कर पाते हैं। तो हमारी बॉडी को एक तरीके से मूवमेंट कौन प्रदान करता है? हमारे जॉइंट्स प्रदान करते हैं। तो जॉइंट्स जहाँ पर दो बोन्स जुड़ती हैं, जो दो बोन्स हैं उनके ऊपर भी एक तरीके के बहुत ही हार्ड और टफ टिश्यू की एक लेयर होती है, और लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। यानी कि जो जो बोन्स हैं, जो दोनों बोन्स हैं वो एक लेयर से ढकी रहती हैं, एक टिश्यू की लेयर से ढकी रहती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बोन्स हैं वो प्रॉपर अच्छे से वर्क कर पाते हैं, वो आपस में रगड़ने नहीं पाते हैं, यानी कि उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या काम करती है? बोन्स को आपस में टकराने से बचाती है, उन्हें फ्लेक्सिबल मूवमेंट देती है, उन्हें नमी प्रदान करने का काम करती है, जिसकी वजह से हम स्मूथली वॉक कर सकते हैं, स्मूथली हमारी बॉडी रन कर सकती है, या जो भी हमारे दिन भर की दिनचर्या है वो हम इजीली कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। जनरली जो हमारी कार्टिलेज होती है वो जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें उनकी जो मोटाई होती है वो लगभग 0.2 मिलीमीटर से लेकर के 0.5 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन जो हमारे घुटने होते हैं उनमें कार्टिलेज की जो मोटाई होती है वो लगभग 0.6 मिलीमीटर इसकी मोटाई होती है। और यदि कार्टिलेज की बात करते हैं, कार्टिलेज कई बार डैमेज हो जाती है जिसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि यदि हम बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड्स का यूज करें या कोई लंबी बीमारी चल रही है उसमें हम लगातार स्टीरॉइड का यूज करें तब भी हमारी कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, सिकुड़ने लगती है, उसमें जो एक ग्रीसिंग होता है या जिसे हम आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं और जिसका लिक्विड का नाम यदि बोलें तो जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूड होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है जिसकी वजह से कार्टिलेज हार्ड हो जाती है, या फिर कई बार चोट लगने की वजह से भी कार्टिलेज को नुकसान पहुंच जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा वेट है और कार्टिलेज उतना वेट सहन नहीं कर पा रही, उस कंडीशन में भी वो क्रैक या डैमेज हो सकती है, या फिर हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है, जो हमारे जॉइंट्स है वो अच्छे से हमारा उनका काम हम कम ले रहे हैं, यानी कि वो कम हम उनका यूज कर रहे हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा उनसे काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच दे रहे हैं, जैसे कि जो एथलीटिक या खिलाड़ी होते हैं जो भाग दौड़ करते हैं तो उसकी वजह से कार्टिलेज पे स्ट्रेच ज़्यादा पड़ता है, और यदि उस कंडीशन वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है तो वो टूट सकती है या उसमें डैमेज आ सकता है, या फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ जो होते हैं हार्मोन्स बनना कम हो जाते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं बनते, तो उस कंडीशन में भी एज बढ़ने का भी एक फैक्टर होता है कार्टिलेज डैमेज होने का। तो अब कार्टिलेज डैमेज हो जाती है ये हम कैसे पता लगाएं, उसके क्या सिम्टम्स हैं? तो कार्टिलेज डैमेज होने का एक सिंपल तरीका है पता करने का, जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं या भागते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में यदि हम बहुत लंबे समय तक हम दूर तक वॉक नहीं कर पा रहे हैं पहले की अपेक्षा, या फिर उन्हें चलते समय उन जॉइंट्स में पेन हो रहा है या फिर स्वेलिंग है या रेडनेस जैसी प्रॉब्लम है, तो वो कई हद तक कार्टिलेज डैमेज होने का एक तरीके का सिम्टम्स होते हैं। कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से बहुत सारे हेल्थ जॉइंट्स में से रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, पोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे जॉइंट्स में। जो बेसिकली इस कंडीशन में होता क्या है, यदि ऑस्टियोपोरोसिस में कार्टिलेज डैमेज हो जाती है और जिसमें रेडनेस, स्टिफनेस आ जाती है, कड़ापन आ जाता है हमारे जॉइंट्स में, जॉइंट्स अच्छे से मूव नहीं कर पाते, स्वेलिंग आ जाती है या रेडनेस या इन्फ्लामेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है जॉइंट्स में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आने ही ना पाए और हम इनको प्रिकॉशन के तौर पे हम पहले से ही हम तैयार हो जाएं कि ये सारे हेल्थ चैलेंजेस हमें नहीं आए,
या फिर हमारे हेल्थ चैलेंज की शुरुआत है या ये सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत है, तो उन्हें हम जल्दी से कैसे कवर अप करें, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कार्टिलेज डैमेज ना हो और हम टाइम रहते ही उसको कवर अप कर लें, तो उस कंडीशन में हमें करना क्या है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़रूरी जो जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स में मौजूद होती है कार्टिलेज। तो और कार्टिलेज की भी क्या खुराक होती है, कार्टिलेज की यदि खुराक की बात करें तो जिससे कि कार्टिलेज हमारी डैमेज ना हो, तो उसके लिए तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नंबर एक हो गया वाटर, माने कि पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता हमें लेनी चाहिए, मतलब डेली हमारा जो पानी का कंजप्शन है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पानी है वो हमारे कार्टिलेज को नमी प्रदान करता है, उसे हाइड्रेटेड रखता है और उसे फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। दूसरे यदि हम बात करें तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है प्रोटोग्लाइकेन। प्रोटोग्लाइकेन क्या करता है, जो एक तरीके से चुंबक का काम करता है, जो हमारे पानी के अणु होते हैं उनको खींचने का काम करता है, उन्हें जो है कार्टिलेज में बनाए रखने का काम करता है, उन्हें खींच करके उन्हें अट्रैक्ट करके कार्टिलेज में नमी बनाने का काम करता है, जिससे कि नमी बनी रहती है और उसका जो लिक्विड है जो ग्रीसिंग है वो प्रॉपर बनी रहती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज सूखने नहीं पाती, हार्ड नहीं होने पाती है, तो ये काम करता है प्रोटोग्लाइकेन। जो थर्ड इसका ज़रूरत होती है हमारे कार्टिलेज की जो खुराक है वो है हमारा कोलेजन। कोलेजन क्या करता है, जो भी प्रोटोग्लाइकेन उनकी जो स्थिति होती है, प्रोटोग्लाइकेन को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए कोलेजन क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है, जिससे कि प्रोटोग्लाइकेन हिलने नहीं पाए, यानी कि अपनी जगह पर स्थिर बनी रहे। और दूसरा जो कोलेजन है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, और जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, उनके इलास्टिसिटी को मेंटेन करने का काम करता है। अब बात आती है प्रोटोग्लाइकेन क्या होता है। प्रोटोग्लाइकेन ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन से मिलकर के बना होता है। जो ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन होता है ये अमीनो एसिड की एक बहुत लंबी चेन होती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन बेसिकली हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं और जो और उनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर नेचुरल तरीके से पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी समुद्री सीपियाँ उनमें बहुत अधिक घनत्व में पाया जाता है, जिसे हम ग्लूकोसामाइन को हम एक नेचुरल सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ग्लूकोसामाइन काम कैसे करता है, ग्लूकोसामाइन जो होता है कॉन्ड्राइटिन पाया जाता है कार्टिलेज के अंदर, उसके साथ जुड़कर के काम करता है। अब कॉन्ड्राइटिन क्या काम करता है, कॉन्ड्राइटिन कार्टिलेज का एक मेजर कंपोनेंट है जो एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज घिसने टूटने नहीं पाती है, और यदि घिस गई है या टूट गई है किसी कारण से तो उसे नया बनाने में मदद करती है। अब ये जो हमारे ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्राइटिन है ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, प्रोटोग्लाइकेन को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि उन्हें उत्तेजित करने का काम करते हैं। और जो ये प्रोटोग्लाइकेन अब काम क्या करेगा, अणुओं को सक करने का काम करता है, तो जितना ज़्यादा प्रोटोग्लाइकेन बनेगा उसकी वजह से जो पानी के जो अणु हैं वो उतनी तेजी के साथ चुंबक की तरह जुड़ करके आएंगे, जिसकी वजह से कार्टिलेज जो है को नमी मिलेगी, इलास्टिसिटी मिलेगी, उसमें खिंचाव बढ़ेगा और उसके टूटने फटने के चांसेस कम होंगे। यदि उस पर ज़्यादा वेट भी पड़ रहा है तब भी वो सहन कर सके कार्टिलेज, ये काम करता है ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्राइटिन मिलकर के प्रोटोग्लाइकेन को बनाने में मदद करता है। प्रोटोग्लाइकेन एक जो अणुओं को पानी के अणुओं को खींचने का काम करता है, उस जिसकी वजह से हमारी कार्टिलेज अच्छे से काम कर पाती है। जब कार्टिलेज बहुत अच्छे से काम कर पाती है उसके अंदर साइनोविल फ्लूड बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा। जब साइनोविल फ्लूड मेंटेन अच्छे से रहेगा तो जो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो टूटने चटकने नहीं पाएंगे, घिसने नहीं पाएंगे, हड्डियां आपस में टकराने नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स अच्छे से मूव कर पाएंगे, उनके अंदर फ्लूड की कमी नहीं होगी। तो ये सारे काम ग्लूकोसामाइन अच्छे से काम कर पाता है। तो ग्लूकोसामाइन को यदि हम डेली कंजप्शन में यदि हम प्रिकॉशनल तौर पर भी यदि हम लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे और हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने में मदद करेंगे। हम रिकमेंड करेंगे वेस्टीज का ग्लूकोसामाइन कैप्सूल, जो
नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ है जिसमें कि ग्लूटामाइन और सल्फर और ग्लूकोज का नेचुरल कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है, जो हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड जो हमारे जॉइंट्स में पाया जाता है उसको बढ़ाने में मदद करेगा, कार्टिलेज को घिसने टूटने से बचाएगा और नेचुरल तरीके से यदि घिस गए या टूट गए उसको फिर से बनाने में कहीं हद तक हेल्प भी करेगा। यदि हम इसकी सही शुरुआत की बात करें किस एज में इसको स्टार्ट करना है, तो यदि 30+ से हम इस सप्लीमेंट का यूज करने लग जाएंगे तो हमें जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम से हम दूर रह सकते हैं और काफ़ी हद तक हम इसको टाटा बाय बाय कर सकते हैं जो जॉइंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनसे। ग्लूकोसामाइन का यदि हम और इनके और सप्लीमेंट के साथ यदि हम यूज करें तो साथ में यदि कैल्शियम सप्लीमेंट को यूज करते हैं और कोलेजन को सप्लीमेंट को यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देता है। इसके साथ साथ ये हमारे चीज़ों को अच्छे से फ्लूड को मेंटेन करता है, कार्टिलेज को अच्छे से बनाने में मदद करता है। ग्लूकोसामाइन की यदि डोज की बात करते हैं तो आफ्टर मील खाने के बाद में हमें डेली 2 कैप्सूल लेना है। यदि किसी को डायबिटीज है तो वो एक्सपर्ट की बिना सलाह के इसको नहीं लें, एक बार जरूर से उनकी राय बहुत ज़रूरी है तभी आप इसका सेवन करें। तो आज का वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स के थ्रू हम तक जरूर पहुँचाएगा। थैंक यू।